नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। अगर कल की बात करें तो कल मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई और अब बिहार के सारण से ट्रिपल मर्डर का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल आरोपियों ने घर में घुसकर दो नाबालिग लड़कियों की हत्या कर दी, साथ ही उसके पिता की भी हत्या कर दी। हालांकि उनकी मां किसी तरह से जान बचाकर वहां से निकली। तो इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार में कानून व्यवस्था इतने ठप क्यों होती जा रही है। चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा जी, जेडीयू प्रवक्ता सुबोध कुमार जी, आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं सौरभ जी से लेना चाहूंगी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता से। सौरभ जी, अगर कल की बात करें तो कल ही बिहार में मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई और अब बिहार के सारण से ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आ रहा है। आखिर क्यों लगातार बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, यह सरकार के लिए चिंता का विषय है। और मामला चाहे मुकेश सहनी के पिता का हो या फिर सारण का जो मामला हो या जो घटना है, दोनों घटना जो है वो काफी गंभीर है और एक बार फिर से सरकार के सामने कई सवाल खड़े करते हैं। जिस तरीके से हत्या हुई है, ऐसा नहीं है कि क्राइम किसी भी स्टेट में मतलब रुक जाएगा या नहीं होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन क्राइम का जो नेचर होता है, इससे ये पता चलता है कि अपराधी जो है वो कितने बेखौफ, मतलब उनके दिल में पुलिस का और सरकार का कितना भय है, ये नेचर ऑफ जो भी घटना होती है उससे ये पता चलता है। दोनों घटना अगर आप देखेंगे तो काफी निर्मम हत्या की गई, जिस तरीके से मुकेश सहनी के पिता की, और उसके बाद अगर कल की घटना, कल रात की जो घटना घटी है सारण में, उसमें भी जिस तरीके से तेज हथियार से वार किया गया और जिस तरीके से तीनों की हत्या की गई, एक जो पहली लड़की थी वो मात्र 17 साल की थी, दूसरी जो उनकी बेटी थी वो 15 साल की थी, और पिता की भी हत्या हो गई। माँ किसी तरीके से अपना जान बचाई, यानी वो नीचे भाग गई तो उनकी जान बच गई, हालांकि अभी भी उनकी स्थिति जो है वो काफी नाजुक है और वो अस्पताल में। तो सबसे बड़ी बात है कि बेखौफ अपराधी, मतलब जिनके मन में, जिनके दिल में किसी चीज का कोई खौफ ना हो, तो ये तभी होता है ना जब पुलिस का और सरकार का इकबाल जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये निश्चित रूप से गंभीर गंभीर मसला है सरकार के सामने, और सरकार को एक बार फिर से सीरियस होकर सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये वही सरकार है जो आरजेडी पर लगातार हमला करती है। ये वही सरकार है जो सुशासन की दावा करती है, ये वही सरकार है जो बार बार जनता के सामने ये जाके कहती है कि हम जंगल राज वापस नहीं आने देंगे, यानी जब तक हम हैं तब तक बिहार में जंगल राज नहीं आएगा। लेकिन जिस तरीके से घटनाएं घट रही है और जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही है और कानून व्यवस्था नीचे गिर रहा है, उससे तो यही लगता है कि जंगल राज आ चुका है सुशासन की सरकार में और सरकार नाकाम है। आप ये देखिए कि इतनी बड़ी घटना हुई, मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या की गई, और अभी मुझे लगता है कि करीब 36 घंटे हो गए, लेकिन अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो निश्चित रूप से सरकार को कठोर कदम उठाना पड़ेगा, और जो पुलिस तंत्र है जिस तरीके से काम कर रही है, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से काम करने की जरूरत है। पुलिस को निश्चित रूप से ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है, और कहीं भी अगर घटना हो रही है, यह अलग बात है कि जो एनडीए के नेता हैं या जो बीजेपी के हैं, जदयू के हैं, वो कहते हैं कि अपराधी जो है वो, आरोपी जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, जेल के सलाखों के पीछे होगा। लेकिन जो घटनाएं घट रही है और जिस तरीके से घट रही है, इससे यही साबित होता है कि अपराधियों के मन में, उनके दिल में किसी तरीके का कोई खौफ नहीं।
चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आप रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं सुबोध जी का। सुबोध जी, आप लोग तो बड़े बड़े दावे करते थे कि जंगल राज हटाएंगे, जंगल राज वापस नहीं आएगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अब जंगल राज 2.0 आ रहा है? एक तो चंपा जी देखिए, नमस्कार, देखिए मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, प्रवक्ता नहीं हूँ और मेरा उस पर प्रवक्ता आपने लिखा है तो उसको थोड़ा सुधार कर लेंगे। दूसरी बात, जहां तक आपने बोला जंगल राज की वापसी, तो जंगल राज क्यों पड़ा? जंगल राज इसलिए पड़ा कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड गुंडागर्दी और अपराध होता था, जहां सत्ता के लोग संरक्षित करते थे, आप घटना करते थे उसका सरकारी तंत्र आपको प्रोटेक्ट करता था, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता था और आप निर्दोष लोगों को फिर पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में निर्दोष लोगों को फंसाती थी और अपराधी का मनोबल बढ़ा रहता था, निर्दोष लोग फंसते थे, ये जंगल राज था। जंगल राज में मतलब कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं थी, जिसको हम कहते ना कि कानून का राज, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ नहीं, लॉ नहीं था। जैसा मन अपराधी के साथ पुलिस के सशस्त्र लोग बैठते थे, राजनेता बैठते थे, उनका मनोबल बढ़ाते थे। आज ऐसी बात नहीं है, आज परिस्थिति ये बदल चुकी है, आपको अस्वस्थ, आपने भी देखा होगा, आप फील करती होंगी, ये घटनाएं हुई है, मैं मानता हूँ, और ये हमारे लिए चिंतनीय है और इसको रिव्यू करने की जरूरत है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं होता कि अपराधी जो है पुलिस के साथ या राजनेता के साथ बैठे और उनको कोई प्रोटेक्ट कर दे, उनको कोई इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दे, उनको कोई किसी तरीके का लिवरेज, उनको किसी तरीके का प्रोटेक्शन मिले, ये नहीं होता। यही अंतर है, आज सत्ता के लोग कभी भी कोई कह नहीं सकता कि हम आपको बचा लेंगे, और किसी हिम्मत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है और किसी की क्षमता भी नहीं है, तो ये अंतर है। और आपने सही कहा कि घटनाएं घटी है, लेकिन एक घटना मैं स्पष्ट कहता हूँ कि जो मुकेश सैनी जी की घटना है, लगभग पुलिस ने अपने को बयान दिया है तो उसमें स्पष्ट हो रहा है कि एक दो घंटे में, कुछ समय में, चूंकि बड़ा सेंसिटिव मामला है, संवेदनशील मामला है, और संवेदनशील मामला में पूरा पूरा एविडेंस का भी कलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, इसका लाभ नहीं मिलती, इसलिए पुलिस जरूर अपना मुकम्मल काम कर रही है। सारी जो टेक्निकल, अब तो नए नए कानून आ गए हैं और जो टेक्निकल, जिसका जोड़ अब तीन कानून में जो बदलाव आया है, तो टेक्निकल जो पर्सपेक्टिव है उसपे भी बहुत तवज्जो और उसपे भी बहुत ख्याल देने की जरूरत है, क्योंकि अब जब तक एविडेंस कलेक्ट नहीं करेंगे तो उनके जो लॉजिक, जिस अपराधी ने अपराध किया उसके लॉजिकल कंक्लूजन, यानी कि उसको सजा दिलाने के लिए, इसलिए पुलिस बहुत रुक रुक के अपना काम कर रहे हैं, अपने समय में ले रही है। ठीक है, एक बात बताइए, कल ही मुकेश सैनी के पिता की हत्या हुई बिहार, फिर भी पुलिस चाक चौबंद नहीं थी, यानी कि पुलिस अलर्ट मोड में नहीं थी, तब जाके फिर से दोबारा वो भी ट्रिपल मर्डर हो गया बिहार, ये आश्चर्य नहीं है, सवाल खड़े नहीं करता है? शुरुआती दौर में जो जांच की जो दिशा दिख रही है उसमें ऐसा दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो मारने वाले थे शायद उनके पिताजी के जानने वाले थे और कोई ट्रिवियल इश्यूज पे उनकी झगड़ा हुई रात में, और उस इंस्टेंट पे जो अभी जो जांच का जो दिशा दिखता है, जो देख रहे हैं, ऐसी बात है कि पुलिस ने भी कहा कि सीसीटीवी में हमने दो लोगों को आइडेंटिफाई किया है, और उसके बाद तो कुछ तो जांच में ऐसा नहीं है कि वो बहुत बहुत वो मतलब वो कहे कि बड़े अपराधी थे, कोई शायद अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकते हैं, जो जांच में घंटे दो घंटे में स्पष्ट हो जाएगा। और ये आपसी विवाद, लोगों की वृद्धि, जो आपने ठीक ही कहा, कहीं ना कहीं जो मॉरल डिग्रेडेशन हो रहा है समाज में, इसके लिए हम राजनेता से लेकर सब लोग, वैसे लोग भी दोषी माने जाएंगे। समाज में जो गिरावट आ रही है, मूल्यों की जो गिरावट आ रही है, हम अपने भाई भतीजा परिवार गोतिया आपस में लड़ रहा, और इस तरीके की घटना हो रही है। अब जैसे छपरा की घटना है तो ये हीनियस क्राइम है, और मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये तो ये एक कोई ऐसा सिरफिरा आदमी है जो शायद जो दिखता है कि जब बच्ची को मार रहा है, उसके घर वालों को मार रहा है, तो वो कोई सिरफिरा आशिक टाइप का ही हमको दिखता है। ये क्या अपराधी टाइप का आदमी, अपराधी होगा भी तो वो आशिक टाइप का आदमी दिखता है जिसने इस तरीके का काम किया। अब हम ये बात बनाते चाहते हैं कि पुलिस तो अब वो पकड़ाएगा, जो लोग भी उसमें जुड़ेंगे, आपने देखा कि किसी को मैं बता रहा, एक एनालॉजी देना चाहता हूँ, जब ये मोटिवेटेड हो जाएगा, जब ये एकदम से मतलब ये दिख रहा है कि आदमी की नहीं हमको मारना ही मारना है, दो घटना में बताता हूँ। अब देखिए ना, ट्रम्प घटना बता दो, कोई सिरफरा उसी टाइप का मानसिकता से जो डिप्रेस्ड है, जो डिप्रेस्ड एंड मोटिवेटेड है, उसने जिस ट्रंप को मारा, इतनी उनकी सिक्योरिटी थी, चाक चौबंद ना, अमेरिका की जो FBI की जो सिक्योरिटी प्रोवाइड हुई थी कितनी टफ होती है, और वो सब सिरफिरा हो गया तो उसने मार दिया। तो इसी टाइप का ये सिरफिरा कोई इसी टाइप का आदमी है जिसको वो कोई
क्रिमिनल उसकी हिस्ट्री हो नहीं हो हम नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अचानक उसने डिसीजन ले लिया कि मुझे ये करना है और उस सिरफिरा आपको बीच में रोक रही हूँ कि आपने कहा कि हाँ क्रिमिनल माइंडसेट होगा उसका इसलिए उन्होंने ऐसा किया, तो ये एक बात भी तो और है ना कि कानून का डर नहीं है ना सरकार का डर है उनके अंदर, तब तो वो एक स्टेप लेने से पहले दोबारा सोच भी नहीं रहे। जहाँ तक कानून का डर नहीं, अपराध का डर नहीं, तो बड़े बड़े अपराधी तो इतने सहम गए हुए हैं, अब वो क्राइम और क्रिमिनल बात भी नहीं करते होंगे जो अपराधी है। लेकिन समाज में अगर मान लिया कोई अचानक से एक नौजवान अगर उसने वो कोई अपना डिसीजन ले लिया और वो माने ठीक माने उसकी अपराधी मनोवृत्ति तो बिल्कुल रही होगी तब तो उसने इस घटना कर लिया, लेकिन ये जो बताता है, ये बताता है कि कोई डिप्रेस है, ये कोई कहीं ना कहीं इसने ऐसा डिसीजन ले लिया है, इसमें ये पुलिस भी हम नहीं जान पाएंगे ना कि कौन क्या घटना करने वाला है। सडनली उसने कोई अगर हाँ वहां पे हमारी तंत्र की फेलियर होगी जब अगर कभी परिवार वालों ने रिपोर्ट किया होगा पुलिस को कि हमको परेशान कर रहा है, तब तो मैं मानूंगा कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर कहीं नहीं है। लेकिन अगर प्रेम प्रसंग में अगर उसने अचानक डिस्प्रेशन में ये एकदम से ये डिसीजन ले लिया कि मुझे अभी ये करना है, घटना करनी है, तो हम शायद समझते हैं कि इसका तो एक तो जिसको कहते हैं ना जो डिटरेंट, ये सामाजिक बंधन जो परिवार अगल बगल वाले लोग, पुलिस को तो ये सूचना भनक भी नहीं लगी होगी शायद और ये घटना कर दिया। लेकिन जब घटना कर दिया तो एक चीज का ही है कि जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है, ये रूल ऑफ लॉ है, सरकार तो सीधा उनको गोली मार नहीं सकती है, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे ना। हमारे यहाँ ये तंत्र जो आपके कानूनी प्रावधान है उसके अंदर पुलिस को ये पावर नहीं है। अब पुलिस तो उनको पकड़ के और उनके ऊपर चार्जशीट करेगी, उनके ऊपर पूरे से उनके ऊपर एविडेंस कलेक्ट करके चार्जशीट करेगी, जो प्रक्रिया होती है कानूनी प्रक्रिया, उसके बाद उनको सजा देने की क्या होगी, घटना घटी, यही अंतर मैं बताना चाहता हूँ। हमारे लिए चिंतनीय है समाज में यह घटना जब होती है, और कौन कौन इसको अप्रिशिएट कर सकता है कि दो बच्चे दो बेटियां और उनके पिताजी माताजी सब इंजर्ड है, पिताजी है, ये अगर किसी ने तो हम अप्रिशिएट तो बिल्कुल नहीं करेंगे, और ये घटना भी चिंतनीय है और पुलिस को बहुत और हम लोग बहुत दुखी भी हैं, लेकिन यही प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का अनुपालन होगा और इसमें कोई सत्ता के कोई भी लोग किसी को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये आपको मैं श्योर करता हूँ। और हम कुछ हमारे हम चाहते हैं। चलिए ठीक है सुबोध जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते विनोद जी का। विनोद जी, आखिर पुलिस नाकाम क्यों रही सारण की घटना को रोकने में? देखिए, राज्य में कोई भी घटना होती है तो निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है और हमारे सरकार और प्रशासन के लिए चैलेंज है, और निश्चित रूप से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर संभव प्रयास करते हैं कि अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अभी भी अपराध और भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हैं और निश्चित रूप से आप देखेंगे घटना के बाद करीब करीब सारे अपराधी पकड़े गए हैं, उन पर कार्रवाई हुई है और बहुत कम समय में वो पुलिस के शिकंजे में आए हैं। लेकिन निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है, कुछ अपराध बढ़े इससे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अपराध की जो श्रेणी है उन पर जरूर चिंता हमें है और इस पर एक मैंने मंथन होना चाहिए। देखिए, हमारी सरकार में जो अपराध हो रहे हैं सत्ता संरक्षित अपराध नहीं हो रहे हैं, सत्ता के सहयोग से आज किसी को हिम्मत नहीं कि पुलिस से थाने से जाकर के अपराधी को छुड़ा लाए या पुलिस को प्रोटेक्ट करे। ये देखिए, अधिकांश अपराध जो हुए हैं बिहार में आप देखेंगे अपराध प्रेम प्रसंग और भूमि विवाद से जुड़े हुए हैं। उसके लिए हमारी सरकार चिंतित है, हमारे मुख्यमंत्री सब लोग चिंतित है, प्रशासन भी इस पर सजग है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति के दिमागी हालत को हम जान सके, पुलिस जान ले कि हमारे दिमाग में क्या है, हम यहाँ बैठे हैं ऑफिस में और किसी से मेरी व्यक्तिगत अदावत है, मैं किसी को मार दूंगी पुलिस क्या करेगा। तो उसमें प्रेम प्रसंग और भूमि विवाद में ही बातें होती है, पुलिस को नहीं पता चल पाता है कि अपराधी है। विनोद जी, वो बात आपकी ठीक है, बट कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए ना जिसमें अपराधियों में खौफ रहे। अगर अपराधी कोई अपराध को अंजाम देने जाए तो उससे पहले वो 100 दफा सोच ले, डर हो उनके अंदर, खौफ हो, कुछ ऐसा स्टेप आप लोगों को लेना तो चाहिए। मैंने कहा ना, देखिए सेंटीमेंटल कुछ चीजें देखिए हमारे साथी सुबोध जी ने कहा कि देखिए कुछ होता है व्यक्तिगत, कोई वो अपराधी तब ना करेगा जब वो अपराधी होगा,
व्यक्तिगत जो मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति होता है किसी से नहीं डरता। विनोद जी म्यूट पे हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए। विनोद जी अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट पे हैं आप। विनोद जी म्यूट पे हैं आप, अनम्यूट कर लीजिए। चलिए ठीक है, तब तक विनोद जी बोलिए, बुक पूरी कीजिए अपनी बात। तो मैं कह रहा था कि संभव नहीं है कि पुलिस हर व्यक्ति के मन स्थिति को जान सके। जो मानसिक विक्षिप्त मानसिक है वो कभी भी कोई भी कार्रवाई करते हैं, वो अधिकतर अपराधी नहीं है। तो अपराध एक मैच करते हैं, बाद में पुलिस को पता चलती है, लेकिन पुलिस कार्रवाई करती है और उनको सिकंजे में लेती है, उनको जेल भेजती है और उससे कोई कोताही हमारी सरकार नहीं बरतती। चलिए ठीक है विनोद जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते प्रमोद जी का। प्रमोद जी आपको क्या लगता है, बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता क्यों जा रहा है? देखिए सवा जी, लगातार हम जदयू के और भाजपा के प्रवक्ताओं को सुन रहे थे आप ही के इसी चैनल पे। आज से 15 दिन पहले भी डिबेट हुआ था इसी विषय पर, और उसके पहले भी कई बार डिबेट हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर के सवाल को लेकर। आप देखिए कि पिछले 15 दिनों के भीतर की ही हम बात कर ले तो लगातार हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सरकार को आईना दिखलाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो जहाँ हत्या की बात हो रही है, चाहे वो गैंगरेप की बात हो, जो लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है उन तमाम मामलों को लगातार उठाने का काम कर रहे हैं। और कल भी देखिए उन्होंने उठाने का काम किया है कि बलात्कार की ही कम से कम 10 ऐसी घटनाएं 2 से 3 दिन के भीतर में बलात्कार और गैंगरेप की घटनाएं घटी हैं, और हत्या की 40 घटनाओं का उन्होंने कल जिक्र किया है जो पूरे बिहार में जो है घटी है। हर एक दो घटनाओं की बात नहीं है, कल तो कल से भी आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए जी। प्रमोद जी प्रमोद जी अपनी बात पूरी कीजिए। कल जिस प्रकार से मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हो जाती और आज जो है सारण की जो घटना है, इसके अलावा दर्जनों घटना प्रत्येक दिन घट रही। आप राजधानी पटना की ही बात कर लीजिए ना, शादी समारोह में जिस प्रकार से दो युवकों की हत्या कर दी जाती है, लगातार 40 ऐसे मामले हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने चिन्हित करके सरकार को आईना दिखलाने का काम किए हैं कि आप देखिए कि 2 से 3 दिन के भीतर में पूरे प्रदेश में कितनी घटनाएं ऐसे घटी हैं, और जिस प्रकार से घटनाएं लगातार घट रही हैं, घटनाओं में जो बढ़ोतरी हुई है, शासन और प्रशासन नाम का तो कोई चीज ही नहीं रह गया है। अपराधियों के मन में शासन और प्रशासन का तो भय है ही नहीं, उसके भय से उसके दिलो दिमाग से शासन और प्रशासन नाम का जो शब्द है वो निकल चुका है। सरकार चुप्पी साधे हुए, सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, और डिबेट में प्रवक्ता आकर के कहते हैं कि कानून अपना काम करेगी, और जब विपक्ष सवाल उठाता है तो वो 20 साल पहले की सरकार पर तंज कसने का काम करते हैं। वर्तमान की जो स्थिति है इतनी भयावह है, इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है, उस पर ये लोग देखने का काम नहीं करते हैं। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? ये पुलिसिंग का जो काम है वो कहाँ हो रहा है? राजधानी पटना की हम बात कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कहाँ होता है? कई न्यूज चैनल ग्राउंड रिपोर्ट पर रात भर जो है घूम करके देखने का भी काम किए हैं, लगातार आप लोग भी अपने चैनल के माध्यम से दिखलाने का काम करते हैं। कहाँ जिप्सी दिखाई पड़ता है रात्रि में पेट्रोलिंग करते हुए, ये देखने की बात है। आखिर कहीं अगर गोलियों की तरतराहट हो रही है तो कोई व्यक्ति हथियार को ले जा रहा है और किसी की हत्या कर रहा है, तो अगर पेट्रोलिंग नहीं हो रही है इसी का लाभ तो वो लोग उठा रहा है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है। इन सब चीजों को ये लोग कहते हैं हत्या होने के बाद कि पुलिस अपना काम करेगी, अपराधी कहीं होंगे उनको पकड़ के हम कानून के शिकंजे में करेंगे, लेकिन जो जान माल की हानि हो रही है उसका जवाबदेह कौन है? लगातार जो है हत्याएं हो रही हैं, दर्जनों हत्याएं प्रत्येक दिन हो रही हैं,
उसका जवाबदेही कौन लेगा? लगातार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी गृह विभाग अपने पास रखे हुए हैं। आप देखिए ना, पिछले 15 दिनों की हम बात कर रहे हैं, 15 दिन पहले भी सौरभ जी भी मौजूद थे और इसी लॉ एंड ऑर्डर पर डिबेट हुआ था। आज 15 दिन बीत चुके हैं, आप बताइए कि 15 दिनों के भीतर में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए कितनी हाई लेवल मीटिंग हुई की गई है? ये बतलाने की जरूरत है, देखने की जरूरत है ना। सिर्फ बयान दे देना और टीवी डिबेट में आकर के यह कह देना कि कानून अपना काम करेगा, अभी का जो कानून है इस प्रकार का कानून है, पहले का कानून इस प्रकार का कानून है, ये व्याख्या का विषय है क्या? ये समझने की जरूरत है। जो महाजंगल राज जो अभी वर्तमान में आ गया है उसको देखने की जरूरत है ना कि किस प्रकार से महाजंगल राज बिहार में व्याप्त है। बताइए, दर्जनों घटना है, मासूम लड़की के साथ जो है बलात्कार की घटना, भागलपुर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना, बेतिया में छात्रा से गैंगरेप की घटना, सासाराम में 14 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप, बेगूसराय में 7 साल की नाबालिग से दुष्कर्म, मोतिहारी में 7 साल की नाबालिग लड़की से बलात्कार, मुजफ्फरपुर में लड़की के साथ दुष्कर्म, गया में नाबालिग के साथ हैवानियत, ये लगातार घटनाएं घट रही है। क्राइम का सिर्फ एक हत्या की ही बात नहीं हो रही है, चाहे वो डकैती की बात हो, राजधानी पटना के भीतर में अभी बाकरगंज में एक घटना घटते घटते बच गई। लगातार अपराधी तो एकदम पूरा सक्रिय है और ये लोग कानून का राज मंगल राज सुशासन खाली उपमा देने का बात कर रहे हैं। और शिकंजा कसिए ना, लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करिए ना। कहाँ है माननीय मुख्यमंत्री जी, कहाँ है दो दो उप मुख्यमंत्री, सिर्फ मीडिया में बाइट देने के लिए है? ये समझने की जरूरत है सवाल। चलिए प्रमोद जी, ठीक है, हम हमारे वरिष्ठ संवाददाता कभी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले सुबोध जी का जवाब ले लेते हैं। सुबोध जी। नहीं, आदरणीय प्रमोद जी ने कहा कि ये घटनाएं घटी है, बिल्कुल घटी है, लेकिन क्या इसमें कोई, मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ क्यों जंगल राज हुआ और क्यों अंतर है थोड़ा सा। घटना घटी और चिंता का वर्तमान 20 साल सुबोध जी, आप सुनिए ना, 20 साल आप भी बोले तो हम नहीं कुछ बोले ना, इसके पहले जब आप बोले तो भी मैंने कोई इंटरफेयर नहीं किया, आपकी बातों को गंभीरता से सुना, लेकिन अभी जो आप बोल रहे हैं, आप जो परिभाषा और व्याख्या जो दे रहे हैं, उससे जो जान माल का नुकसान हो रहा है, व्यक्ति का जो जीवन चला जा रहा है, उसकी सुरक्षा के बारे में बताइए ना कि सरकार क्या करने जा रही है, सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मुकम्मल व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठा रही है, ये बतलाइए। ये जो व्याख्या जो आप विपक्ष पर ठिकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं, उससे कोई रिजल्ट हासिल नहीं होना है। क्यों विपक्ष में ठिकरा फोड़ा जाता है, फोड़ा गया आप पर, क्यों जंगल राज का आप आरोप लगा, सुन लीजिए, क्योंकि याद है, अरे जंगल राज का आरोप तो सुप्रीम कोर्ट में, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या कहने का काम किया, ये क्यों नहीं बतलाने का काम कर रहे हैं? प्रत्येक दिन दर्जनों हत्या हो रही है, तो ये जंगल राज और महाजंगल राज नहीं है तो ये क्या है, ये समझने या समझाने की जरूरत है ना। हमारे आप जवाब, हाँ जवाब दे दीजिए सुबोध जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल अंतर क्या है, कि आपको याद होगा कि नहीं नहीं, आपसे कोई अंतर नहीं पूछ रहा सुबोध जी, यहाँ पर सुबोध जी, अंतर नहीं समझना है, जवाब दे, अंकल कौन थे पता लगाए आप लोग? एक बच्ची उसकी हत्या हो गई थी, किन पे आरोप लगा था, क्या किया आपने, किस तरीके से आपने प्रोटेक्ट किया? सुबोध जी, अरे अभी फिर परेशान, अरे अभी फिर से पूरा जो है मुजफ्फरपुर में संस्थागत जो है सैकड़ों लड़कियों के साथ जो है हैवानियत का नाच खेला गया, अभी हाल में मुजफ्फरपुर में जो ये घटना घटी है उस पर जवाब दीजिए ना, क्यों नहीं जवाब देते हैं, जवाब नहीं सोचता है? आप करते थे, आप कितनी गाड़ियां, कितने शोरूम से शादी में गाड़ी निकाल लेते थे, जबरदस्ती जबरन खींच लिया करते थे, अरे आप क्या कर रहे हैं, इस पर जवाब दीजिए ना। 19 सालों से आपकी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, गृह विभाग उनके पास है, कहाँ है शासन प्रशासन, बतलाने का काम करिए ना। और वर्तमान में आइए, वर्तमान में क्या हो रहा है,
क्या हो रहा है? ये मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, क्या हुआ ये बताइए ना, क्या हुआ? अभी पुनः जो है संस्थागत रूप से मुजफ्फरपुर में फिर सैकड़ों लड़कियों के साथ एक संस्था के द्वारा हैबानियत किया गया, लोगों ने देखा टीवी पे, उसको वीडियो देखा। सुनिए ना, क्या क्या उस पर कार्रवाई की, ये बदलाने का काम करिए ना, क्या कार्रवाई की गई? ये अंतर बदलाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान होगा कि आप लॉ एंड ऑर्डर को कैसे सुधार रहे हैं, ये बतलाइए। उनके साथ उनके 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 अस्मिता के साथ आपने खिलवाड़ किया, एक आईएएस को किस तरह? सुबोध जी आज हम लोग जो चर्चा के लिए बैठे हैं ना, तो वो अंतर दर्शकों को समझाने के लिए नहीं बैठे हैं। आज इसलिए हम लोग बैठे हैं कि नहीं नहीं हम डिफरेंस सबको पता है सुबोध जी, डिफरेंस सबको पता है। अगर जंगल राज थी तभी आप लोग आए, नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूं, अगर जंगल राज थी तभी जनता ने आपको मौका दिया। 20 साल से आपकी सरकार है, 2005 से लेकर 2010 में भी आपकी सरकार थी। लोग उसी को गोल्डन पीरियड क्यों कहते हैं, मुझे एक बात समझा दी। उसके बाद आप लोग निरंकुश क्यों हो गए? सरकार निरंकुश हो गई, पुलिस निरंकुश हो गई। आखिर 2005 से नहीं नहीं 2005 से 2010 तक आपकी सरकार थी, क्यों लोग एनडीए के शासन काल का गोल्डन पीरियड उसे कहते हैं, आप मुझे समझा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, वहां जरूर कुछ ना कुछ कमी आ रही है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको तो कमी को एक्सेप्ट कीजिए ना, उसी कमी के बारे में तो मैं बात कर रहा हूँ। आप पटना में रहते हैं, किस इलाके में रहते हैं मुझे बता दीजिए। मैं मुजफ्फरपुर में रहता हूँ, मुजफ्फरपुर। नहीं, मैं विनोद जी से, ठीक है, मैं विनोद जी से सवाल करूंगा। विनोद जी आप बताइए। नहीं नहीं एक मिनट सुबोध जी, एक मिनट विनोद जी, आप किस इलाके में रहते हैं पटना में? पटेल नगर जब आप जाते हैं तो पुलिस की कोई जिप्सी आपको दिखती है रात में 10 बजे के बाद? ईमानदारी से बताइए। देखिए, ईमानदारी से कभी कभी तो दिखती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमेशा नहीं दिखती है। कभी कभी दिखती है जबकि पटेल नगर का इलाका जो है वो काफी बड़ा है। नहीं नहीं विनोद जी, पटेल नगर का इलाका काफी बड़ा है और आपने खुद बोला कभी कभी जिप्सी दिखती है। आपको भी पता है कि राजवंशी नगर बेली सौरभ जी, हम वहां लगातार नहीं रहते हैं, हम तो गुजरते रहते हैं तो नजर पड़ती है, हम वहां बैठे नहीं रहते हैं। वही विनोद जी, वही मैं कह रहा हूँ कि हम लोग पटना में रात में भी कई इलाकों में घूमते हैं, लेकिन सही बात है कि जो पुलिस की जिप्सी जो है या जो गश्ती दिखती थी पहले, वो नहीं दिखाई देती है। निश्चित रूप से मेरा सवाल बस एक ही है कि जिस तरीके से हत्या हो रही है, ये आपको लगता है कि अपराधियों के मन में थोड़ा सा भी भय है, चाहे पुलिस का हो या सरकार का? देखिए, चिंता का विषय है सरकार के लिए, चुनौती है सरकार की, इसमें दो राय नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री भी लगातार डीजीपी के संपर्क में, एसपी के संपर्क में है, उनको कड़े निर्देश दे रहे हैं, कड़े कार्रवाई के लिए दबाव दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, आदतन अपराधी अधिकांश नहीं है, ये जो है कहीं ना कहीं से विक्षिप्त मानसिकता के लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। विनोद जी छपरा की बात मत कीजिए ना, केवल छपरा की बात मत कीजिए। नहीं नहीं, मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। देखिए, 80% घटनाएं जमीन की। देखिए विनोद जी, मैं कल जो घटना घटी है, नहीं नहीं पिछले 24 घंटे में जो घटना घटी है उसके बारे में हम बता रहे हैं। पूर्वी चंपारण में पति पत्नी को चाकू मारकर उनकी हत्या। नहीं नहीं विनोद जी, एक बार सुन लीजिए, पिछले 12 घंटे में जो घटना घटी है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। पूर्वी चंपारण में पति पत्नी जो दंपति थे उनको चाकू मार के उनकी हत्या की गई। सारण की घटना छोड़ दीजिए, वो आप कह रहे हैं कि चलो सनकी था, प्रेम प्रसंग का मामला था, व्यक्तिगत था, चलो हम लोग उस चीज को एक मिनट के लिए भूल जाते हैं। मढ़ौरा छपरा में युवक और युवती की हत्या हुई है,
पटना में फैमिली प्लानिंग जो अधिकारी होते हैं उनको गोली मारकर हत्या हुई है। पार आपको पता है पटना में किशोर की हत्या हुई है, सासाराम में एक मतलब यंग लड़के की हत्या हुई है, गोपालगंज में आरजेडी के जो पंचायत अध्यक्ष थे उनकी निर्मम हत्या हुई है। आपको लगता है ये सारे लोग जो है वो ऐसे ही उठे, उनके मन में ख्याल आया कि चलो किसी का मर्डर करते हैं और उठे मार दिए किसी को जाके? नहीं नहीं देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि बड़ी है, मैंने अपराध की घटनाएं बड़ी है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति को माननीय मुख्यमंत्री के देखिए निर्देश को लगातार खुद ही संपर्क में है और दबाव बना रहे हैं। आपके डीजीपी आप अपने जो आपके राज्य हैं आप अपने डीजीपी को कब देखा है सड़कों पर, कब देखा किसी थाने में जाकर जांच करते हुए या बैठते हुए या जनता दरबार लगाते हुए? कब देखा आपने? प्रत्येक दिन उनको संपर्क करना चाहिए, एसपी से कम से कम आप संपर्क कर सकते हैं, निश्चित रूप से आप संपर्क कर सकते हैं। विनोद जी आप अगर किसी भी घटना को लेकर अगर डीजीपी से मिलना चाहें आसानी से आप मिल सकते हैं, बता दीजिए ईमानदारी से, समय मिलेगा आपको? आदरणीय मुख्यमंत्री तक जरूर आपके माध्यम से जा रही है चर्चा, जा रही है डीजीपी को जो एक्शन लेना चाहिए नहीं ले रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है, आम चर्चा सभी चैनलों पर मीडिया पर हो रही है, लोग कह रहे हैं कि डीजीपी शिथिल है, जो काम करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं, निश्चित रूप से उसे भी अपराध क्यों रखे हुए हैं, क्यों रखे हुए हैं, क्यों रखे हुए हैं? एसपी को निर्देशित नहीं करेंगे जब तक कड़ा रुख नहीं अपनाएंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, तो हम लोग आशा रखते हैं कि आपके माध्यम से डीजीपी को भी जा रहा है मैसेज, ऐसा नहीं है, और जैन लोग के माध्यम से जा रहा है उनको कहीं ना कहीं संज्ञान में लेकर के डायरेक्ट से बात करके सारे थाने को बुलाकर कड़ा निर्देश देना चाहिए और निश्चित रूप से अपराध रुकना चाहिए, क्योंकि हमारे सरकार का सबसे मुख्य यह रहा है कि हम शासन देंगे, हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे अपराध और भ्रष्टाचार पर। माननीय मुख्यमंत्री की आज इसीलिए चर्चा होती है सब जगह कि उन्होंने आप जो चर्चा किया कि मिसाल पेश किया था 2005 से 10 तक निश्चित रूप से हमारी सरकार ने पूरे देश में मिसाल पेश किया था कि अपराध करीब करीब शून्य की स्थिति में आ गए थे, लेकिन तो निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसको काफी गंभीरता से लेंगे, हम लोग भी प्रयास करेंगे कि आपकी जनता की भावना को हम लोग मुख्यमंत्री तक पहुंचावे और डीजीपी और ऐसा कुछ दबाव बनावे, डीजीपी को सक्रिय होना चाहिए। चलिए सुबोध जी आप ये बता दीजिए, मेरा सवाल वही है जो मैंने पहले आपसे किया था कि 20 साल का शासनकाल लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है, 19 साल हो गया है, मुझे लगता है एक साल और बचा हुआ है, लेकिन जनता जो है बिहार की जनता जो है वो 2005 से 2010 के पीरियड को ही क्यों याद करती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसके बाद उसके बाद भी मुख्यमंत्री वही है, गठबंधन वही है, नेता वही है, मंत्री वही है, लेकिन याद केवल जनता को 2005 से 10 तक है। जी जी आपको याद है कि उस समय एक चीज जरूर हुआ था, जब माननीय अभियानंद जी एडीजी थे उन्होंने एक चीज लाया था कि जो स्पीडी ट्रायल कर दिया था, और स्पीडी ट्रायल के बाद सजा की जो दर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और हमको याद है कि उस समय बड़े बड़े लोगों को सजा मिला था और लोगों के अंदर में खौफ था, एक रूल ऑफ लॉ लगता था, और अभी हमको लगता है कि आजकल मैं कई बार बात करता हूँ तो बोलते हैं पुलिस वाले कहते हैं कि हम तो बहुत उनको मेहनत करके हम जेल भेजते हैं उनको बहुत जल्दी में, शायद एविडेंस की कमी रहती होगी उनके पर्यवेक्षण में, उनके इन्वेस्टिगेशन में कुछ कमी जरूर रहती होगी मैं मानता हूँ, लेकिन जो हमारी प्रक्रिया जहाँ जैसे ही अब कोर्ट भी इसमें हम कहेंगे कि कोर्ट को भी थोड़ा सा और मॉनिटर और स्पीडअप करने की जरूरत है, पुलिस को भी जो भी ऑर्गन्स है जो उनको सजा दिलाने की प्रक्रिया है उसमें तेजी लानी पड़ेगी, जैसे ही सजा होना शुरू हो जाएगा फिर से हम आप देखते पहले हम लोग हर दिन पढ़ते थे कि ये सजा उम्र कैद की सजा उम्र कैद की सजा, आजकल उसमें कमी आई है, तो ये एक आस्पेक्ट है जिसपे हम लोग को बहुत सोचना पड़ेगा। मैं एक चीज और आपको ऐड करना चाहता हूँ, आपने कहा कि पेट्रोलिंग का, लेकिन हमारे सरकार ने 112 नंबर की गाड़ी हर थाने को दो दो गाड़ी मुहैया कराया है। अब ये बताइए कि जो इनके शासन में अंतर तो यही आया कि पहले तो पेट्रोल गाड़ी की नहीं रहती थी, डीजल नहीं रहती थी और गाड़ी नहीं चल पाती। अरे सर मैं अंतर समझने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं अंतर समझने के लिए नहीं बैठा हूँ, सबको पता है अंतर आई है, लेकिन जो अंतर होना चाहिए ना वो अंतर नहीं है।
मैं एक दिन एक पदाधिकारी से बात कर रहा था कि इतनी गाड़ियां हो गई है कि अब 2-2.5 किलोमीटर पर हमारी एक गाड़ी जरूर रहती है। अब मैं नहीं जानता हूँ कि कितना आपको, लेकिन हम जहाँ है मुजफ्फरपुर में तो मुझे अक्सर हमेशा पेट्रोलिंग करते हुए गाड़ियां मिलती है। अब पटना में शायद, पटना तो बड़ा क्षेत्र है, सब इधर उधर घूमते शायद उनको नहीं दिखता होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत गाड़ियां दिखती है और पेट्रोलिंग भी होता है। लेकिन बिल्कुल चिंता का विषय, आपने जो बातें कही वो बिल्कुल जायज है और हम भी मानते हैं, पर आपने जो बात कही कि जो दिखना चाहिए बड़े पदाधिकारी को ज्यादा संवेदनशील और ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। आपने जिन बातों को उठाया बिल्कुल वो सही भी है। आज डीजीपी अगर नहीं जाते हैं तो जाएं, दिखना चाहिए उनको, जब उनका चेहरा दिखेगा वो बड़े टफ मैन माने, सुपर कॉप माने जाते थे, और सुपर कॉप का चेहरा भी लोग देखेंगे तो है कि एक डिटरेंट का भी, क्रिमिनल्स के अंदर भी भय पैदा होता है। यही भट्टी साहब जब मुजफ्फरपुर में थे तो मुझे मालूम है कि किस तरीके से बर्फ की सिल्ली पे अपराधियों को बैठा के उनकी, वो कब की बात कर रहे हैं, वो आप कब की बात कर रहे हैं, कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, कितने साल पुरानी बात है ये। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, दिखना चाहिए। और हमारी सुशासन के वो को बढ़ाने में, मजबूती करने में जितने भी ये ऑर्गन्स हैं इनको बहुत फंक्शनल, इनको ऑपरेशन के अपने फंक्शंस को और टाइट करना पड़ेगा। हम कार्यकर्ता हमेशा इन बातों को भी उठाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही बात रखते हैं, और हमारे हमारी सुशासन के जो हमारी जो मनसा है। नहीं सर, आपको ये नहीं लगता कि आपका जो सुशासन है उसमें अधिकारी जो है वो सरकार से ज्यादा मजबूत हो गए हैं? देखिए कभी हाथ भी जोड़ना पड़ता है मुख्यमंत्री को, पैर भी पकड़ना पड़ता है, उसकी भी नौबत आ जाती है। सर सुबोध जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी जो बड़ी घटना होती है मुख्यमंत्री हमेशा डीजीपी को फोन करते, हमेशा उनको हरकाते हैं, लेकिन उसका असर जो होता है ना, उसका इम्पैक्ट दिखता नहीं है ग्राउंड। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लगता ऐसा है कि अधिकारी जो है ना, वो नेता मंत्री सरकार सबसे ऊपर हो गए। तो ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि ऊपर हो सकते, कभी नहीं हो सकते, जो व्यवस्था है। और माननीय नहीं, वो हो सकते हैं वाली बात नहीं है, जो दिख रहा उसमें आप जिसको कहते हैं गलत निर्देश नहीं देते हैं, लेकिन निर्देश तो इतना देते हैं और उसके इतने डरे रहते हैं कि अभी आपने देखा होगा कि बिहार में माली एक बड़े कद्दावर ब्यूरोक्रेट थे, उनको जो फ्री हैंड दिया उन्होंने, बहुत अच्छी व्यवस्था की, लेकिन जब वो सरकार की कुछ, जो सरकार की वेलफेयर स्टेट है हमारा और कल्याणकारी योजनाएं हैं, जब उसमें भी वो इंक्रोच करना शुरू कर दिए उस मामलों को भी, और जो कानूनी संवैधानिक व्यवस्था है उसको भी शिथिल करने का काम करें, तो हमने एक मिनट में हटाने का काम किया। ये लॉलेसनेस हम यहाँ प्रिवेल नहीं कर, ऐसे फ्री हैंड अगर हम अपने ऑफिसर्स को नहीं देंगे तो फिर तो वही बात थी कि सत्ता संरक्षित, हम बिल्कुल आपसे अलग। फ्री हैंड तो पिछले 20 सालों से है ना सुबोध जी, फ्री हैंड पुलिस को पिछले 20 सालों से है। देखा होगा तभी तो हमको 20 साल से सत्ता में लोगों ने वोट किया और इतना वोट किया, मैसिव वोटिंग हमारे पक्ष में भी, और इस बार भी 20वां साल चुनाव में, और आपने देखा लोगों का विश्वास। अपराधी घटनाएं बढ़ी नहीं है सुबोध जी, अपराधी घटनाएं बढ़ी नहीं है, उसका कारण क्या है? लेकिन ये सत्ता क्यों बढ़ रही है? विवेचना का विषय है, चिंता का विषय क्यों बढ़ी है समाज में, हर जगह अब इतनी गिरावट आ गई है, हम लोग इतने लालची हो रहे हैं सब लोग। मैं ये नहीं कहता हूँ, आज देखिए ना, छोटे छोटे बातों पे भाई भाई को मार रहा है, ये जमीन की समस्या बढ़ती रहती है, जमीन उतनी है, जनसंख्या के घनत्व बढ़ते, जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, उस जमीन के लिए मार, जमीन उतनी है लोग, लेकिन जितने लोग उस जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनकी संख्या हमेशा बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे इश्यूज पे लोग बहुत मतलब इंपेशेंट हो रहे हैं, लोग अपने घर में ही लोग घटनाएं कर रहे हैं, घर के लोग ही इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। आज मैं आपको एक बात बताऊं, मुकेश सहनी जी के पिताजी मारे, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हम सब बहुत दुखी है और ये तो कभी कोई टॉलरेट ही नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मामा ने कहा कि हमारे गांव के, उसी गांव के लोगों ने किया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आने दीजिए जांच का विषय, कोई ना कोई तो उनके जानने वाले ही थे, उनके पहले से उनके आने जाना था, ये वो नहीं है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ, कोई विवाद हुआ और विवाद के बाद लोगों, हमारी मॉरल डिग्रेडेशन हो रही है, जो पहले समाज में जो एक लोगों की सोच थी, लोगों की जो विचार थे उसमें बहुत गिरावट आ रही है। आपको नहीं लगता कि डीजीपी को भी वहां जाना चाहिए था दरभंगा, उनको भी जाना चाहिए था उनका एकदम, जहां भी इससे लोगों का कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो, लोगों को शासन और हमारी सुशासन पे विश्वास जमना चाहिए। तो क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं सुबोध जी, कोई भी बड़ी घटना होती है वहाँ डीजीपी क्यों नहीं नजर आते हैं?
मुझे भी समझ में नहीं आती क्यों नहीं जाते हैं, मुझे कितने बार बात हुई आप इसके भाइयों से। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अधिकारी जो है ना, अधिकारी जो है वो आपके सरकार में सरकार से ऊपर बैठे हुए हैं। हमको कितने बड़े पदाधिकारी, उनको कोई फर्क नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मंत्री उनको फोन करके क्या बोल रहा है, मुख्यमंत्री फोन करके क्या बोल रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारी बातें होती है लोगों से तो उसमें कहते हैं चेन ऑफ कमांड का जो उन्होंने कर दिया है कि वरीय पदाधिकारी भी शायद अपने जो इसीलिए हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो इकबाल था ना वो खत्म हो गया। बिल्कुल, नीतीश कुमार कोई सीरियसली उनको नहीं लेता। इकबाल इसलिए खत्म नहीं हो सकता है कि ही इज नो नॉनसेंस मैन, ही डजंट टॉलरेट एनी क्राइम, ही बिलीव्स इन जीरो टॉलरेंस, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ कि सडनली स्पर्ट हुआ है, आप देखिए ना कि हम बहुत जल्दी इस पर नियंत्रण पाएंगे। और आपके जो सुझाव है वो भी स्वागत योग्य है कि पुलिस पदाधिकारियों की प्रेजेंस दिखनी चाहिए, खासकर बड़े और हर केसेस में रिव्यू होना चाहिए, तब तो कनिष्ठ पदाधिकारियों के अंदर भय व्याप्त होगा। अगर वो नहीं जाते, डीजी नहीं गए कहीं, अगर नहीं जाते हैं तो उनकी कमी है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। लेकिन अगर ऐसा आपने देखा होगा, नीतीश कुमार तो वो है जो हैंड देते हैं जब आप जब खुश होते हैं। चलिए, बिहार की जनता इंतजार करेगी, बिहार की जनता इंतजार करेगी उन दिनों का जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। समय की कमी है, चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। दो दिन पहले बक्सर में एक माननीय पूर्व मंत्री थे, वो जमीन ग्रैब करने गए थे, देखा हमारे शासक हमारे पदाधिकारी ने क्या क्या हुआ, कैसे सामने उसको त्वरित पकड़ के उनको त्वरित पकड़ के जेल के अंदर भेजने का काम किया। ये दिखता है कि हमारी शासन सजग है, हम सजग, कई घटनाएं हो रही और हम चिंतित है। और आपने जो सुझाव दिए हैं वो बिल्कुल सही आपका कहना है, उस पर भी विचार होना चाहिए, बड़े पदाधिकारियों को जरूर जाना चाहिए। और माननीय नीतीश कुमार जी कभी भी इन चीजों से कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और आप सही बात है, ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो काफी काफी सालों से हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन ये सब अब किताबी बातें हो रही हैं। वोट दिया लोगों ने, हमारी वोट दिया, हम ना जात पात करते हैं ना हम किसी को आपस में भाई भाई में लड़वाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल संघार कराते हैं ना, हमारे कोई विधायक हिम्मत कर सकते हैं ना, हमारे माननीय सांसद कोई क्राइम करने की जरूरत भी कर सकते हैं। यही नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में परिवर्तन दिखता है, और अगर क्राइम करेंगे तो जेल जाएंगे, उनको सजा होगी, उनको कोई बचा नहीं पाएगा, यही अंतर है। और हम ना नाखून उखाड़े, और नाखून उखाड़ के शिल्पी गौतम जी की हत्या में भी हमारी कोई भूमिका नहीं रही हो तो कोई सजा नहीं पा रहे हैं, तो ये अंतर है ना, जो अंतर दिखता है। चंपा विश्वास जी को किस तरीके से बिहार छोड़ना पड़ा वो उसी अंतर के कारण तो आपको आपको मौका मिला, आपको मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपी गई उसी अंतर के बाद तो। लेकिन जो जनता की अपेक्षा थी ना विनोद जी, जो जनता की अपेक्षा है ना उस पर आपकी सरकार खरी नहीं उतर सकता है। जी प्रमोद जी बोलिए, जिस प्रकार से सुबोध जी अभी बोल रहे हैं कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पर एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, जेल गए सुन लीजिए बिहार से माननीय उच्चतम न्यायालय को केस तक को ट्रांसफर करना पड़ा, और मूछ वाले और सोंध वाले अंकल कौन थे पता लगाए, ये जानकारी लीजिए। आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि हमारे मंत्री नहीं कर सकते, हमारे ये नहीं, तो अपराध की इतनी घटनाएं घट क्यों रही है? और आप जो कह रहे हैं कि सिर्फ डीजीपी को, आप जो है आप देखिए ना, पटना की सड़कों पर जो है डीएसपी और एसपी भी कभी देखते हैं, दिखाई पड़ रहे हैं क्या? कभी चेकिंग होती है क्या कि कौन व्यक्ति हथियार लेकर के घूम रहा है? कभी होती है क्या? ये देखिए, चलिए प्रमोद जी, समय की कमी है, प्रमोद जी समय की कमी है। तो सभा आपने देखा, सभी लोगों का ये था, अपना अपना बयान था, अपने अपने जो पार्टी है उसका वो निश्चित रूप से ये कर रहे थे, बचाव कर रहे थे। लेकिन बात सही है कि पिछले लगातार जो है वो अपराध में काफी बढ़ोतरी हुई है, काफी बढ़ा है, चाहे किसी भी तरह का अपराध हो। और उससे ये साबित जरूर होता है कि अपराधियों के मन में जो खौफ है पुलिस या प्रशासन का वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। कारण गोली मार के भाग जाना, वो गोली लग जाना, उसमें किसी का मर्डर हो जाना, वो बातें समझ में आती है। लेकिन जिस तरीके से
निर्मम हत्याएं हो रही है, जिस तरीके से काटा जा रहा है वहां बैठ के, तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि उनको किसी चीज का डर नहीं है, किसी चीज का ना कोई पुलिस ना कोई प्रशासन का भय नहीं है। और निश्चित रूप से मैं तो देख रहा हूं, मैं लगातार कवर भी कर रहा हूं, तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि पुलिस के जो अधिकारी है ना, वो अपने आप को सरकार से ऊपर समझ रहे हैं। उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है कि सामने कौन MLA है, कौन MP है, कौन मंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है, उसको उनको किसी चीज का कोई भय नहीं, ना मीटिंग करनी है, ना कोई रिव्यू करना है, ना फील्ड में जाना है, कोई मतलब नहीं है। बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लगातार निर्देश दे रहे हैं, उसके बाद भी उनका दूर दूर तक जो ग्राउंड पर है वो इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। इसका क्या मतलब है कि जो अधिकारी है, जो पुलिस के बड़े अधिकारी है, वो अपने आप को सरकार से ऊपर समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, अपराध में बढ़ोतरी हो रही है, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में जो अधिकारी हैं वो बेलगाम हो रहे हैं। हालांकि अब बिहार में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।